क्वेश्चन नंबर 11, हमें x की वैल्यू गिवन है, y गिवन है और शो करना है कि dy अपॉन dx जो है वो माइनस y अपॉन x के इक्वल आएगा, ठीक है। और बात क्या है यहाँ पे, x जो गिवन है वो अंडर रूट के अंदर a की पावर sin इनवर्स t है और y जो गिवन है a की पावर cos इनवर्स t जो कि अंडर रूट के अंदर है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम dy अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे, dx अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें dy अपॉन dx मिल जाएगी, है कि नहीं। dx से dx कैंसिल, dy अपॉन dx मिल जाएगी। तो ये करना है हमें, तो पहले तो कर लो, इसे कर लेते हैं पहले। हमें क्या करना है, x जो है हमारा अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, जो कि मैं लिख सकता हूँ a की पावर साइन इनवर्स t की टोटल पावर 1/2। एक ही बात है, आप चाहो तो इसे लॉग से भी कर सकते हो, हम लॉग से करेंगे ताकि जल्दी हो जाए, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हमें क्या फ़ायदा होगा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 साइन इनवर्स टी, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम लॉग ले लेते हैं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग एक्स इक्वल टू में लॉग a की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, ठीक है, आप लिख देना ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी सबको याद है ना, पूरी एक एक्सरसाइज कर चुके हैं इसके ऊपर, लॉग m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू में लॉग m के, जो पावर होता है उसको हमें आगे लिखना होता है, तो पावर लिख दो हमें आगे 1/2 साइन इनवर्स टी हमने लिख दिया, इंटू में लॉग a, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ की हमने। इसके बाद अब ये डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी आसान हो गया, कर लो डिफ्रेंशिएट इसको, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन में x dx अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी, ठीक है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2, तो कॉन्स्टेंट है, log a भी कॉन्स्टेंट है, ये तो वैसे ही रहेगा, बस आपको साइन इनवर्स t को करना है डिफ्रेंशिएट, तो क्या आता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, ठीक है, साइन इनवर्स टी का ये होता है। इसके बाद डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू निकालनी थी, x यहाँ पे डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, और x की वैल्यू क्या है, x हमारा क्या है, यही है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है, x हमारा क्या है, अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स टी, इनटू में जो जो है वो सब कुछ लिख दो, 1/2 लॉग ए है मल्टीप्लाई में, और क्या है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है। अभी हमने बस डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल ली और कुछ नहीं किया है एक्स्ट्रा भी। सेम टू सेम ऐसे ही डी वाई अपॉन में डी टी की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई क्या है हमारा, ये है, तो वाई को मैं लिखने वाला हूँ, वाई जो काम हमने यहाँ पे किया वही कर लेंगे, वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा, अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, पावर को ऐसे लिख लेंगे हम, a की पावर cos इनवर्स t की पावर टोटल पावर 1/2, एक ही बात है, हमें पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये इक्वल होगा हमारा a 1/2 इंटू ये कर दो, मतलब 1/2 इंटू में cos इनवर्स t, एक ही बात है ना। अब हम कर देते हैं बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, उससे पहले हमें लॉग लेना पड़ेगा ताकि जल्दी हो जाए, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख देना आप, तो लॉग वाई हमारा इक्वल आ गया लॉग ए की पावर 1/2 इंटू में कॉस इनवर्स टी, तो हमें ये बात पता है कि लॉग वाई इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है अभी देखी थी हमने, जो भी पावर है उसको आगे लिख दो, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स था पावर में, इंटू में लॉग ए आ जाएगा। अब कर दो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिलेगा, log y का 1 अपॉन y मिल जाएगा, y को करो तो dy अपॉन में dt मिल जाएगा, इक्वल टू में 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, log a भी हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सेम टू सेम लिख दो, बस डिफ्रेंशिएट करना है हमें cos इनवर्स t को, करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, इतनी बात करनी थी बस हमें। तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आई,
वाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दो। वाई की वैल्यू क्या है, ये है अंडर रूट के अंदर ए की पावर कॉस इनवर्स टी, इनटू में जो भी है सब लिख दो, वन बाय टू है, इनटू में लॉग भी है और माइनस, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई में बाहर निकाल लेते हैं, माइनस वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर भी है। तो ये आगे वैल्यू हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी की। तो हमें करना क्या होगा, बस अब एक स्टेप बचा हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा इक्वल होता है डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड में डी एक्स अपॉन डी टी के। तो इसकी वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये है ना, पूरी लिख दो यहाँ पे, माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी और इनटू में क्या है, वन बाय टू भी है इनटू में और लॉग भी है, लॉग ए है इनटू में, ठीक है ना, यहाँ पे लॉग ए है, यहाँ पे भी लॉग ए है, ठीक है, लॉग ए है और इनटू में क्या है, वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर और डिवाइड में क्या आएगा पूरे में डी अपॉन डी टी, जो कि हम निकाल चुके हैं, ये रही, इस वैल्यू को लिख दो यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी, उसके बाद वन बाय टू मल्टीप्लाई में है तो इनटू में वन बाय टू, इनटू में लॉग ए है तो इनटू में लॉग ए कर दो और इनटू में क्या है, वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, तो वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। सेम है, बहुत कुछ सेम है यहाँ तो, है ना, जो जो सेम है कैंसिल कर दो, ये सेम है कैंसिल हो गया, ये भी नीचे है, ये ऊपर है, वन बाय टू भी है, वन बाय टू भी है, तो क्या बचा हमारे पास, ये अपॉन ये। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहीं देखा देखा नहीं लग रहा, वाई की तो वैल्यू है ये अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, है ना, तो ये तो वाई है हमारा, मल्टीप्लाई में माइनस है तो माइनस लिख दिया, ये हमारा वाई है तो माइनस वाई आ गया, और डिवाइड में नीचे देखो अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, कहीं देखा देखा नहीं लग रहा, देखो यही तो हमारा एक्स था, है ना, तो ये क्या है हमारा एक्स है, ठीक है। तो ये देखो आप, यही आंसर चाहिए था हमें, यही हमें प्रूव करना था, शो करना था, माइनस वाई अपॉन एक्स, तो वो हमने शो कर दिया, तो हैंस प्रूव, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, करते नहीं हो आप लोग, ठीक है, राधे राधे।